ये है मोहब्बती की स्पिन ऑफ, ये है चाहती का पहला धमाकेदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। इस प्रोमो में शो की लीड एक्ट्रेस सरगुन कौर से खुद रमा निशिता ने लोगों को रूबरू कराया। अब यूं तो प्रोमो से साफ है कि शो की कहानी सरगुन और उसकी जिंदगी के बारे में ही है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं एक्ट्रेस सरगुन की जिंदगी के कुछ अनजानी बातें जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरगुन कौर है कौन। सरगुन कौर का जन्म और शुरुआती पढ़ाई हुई थी दिल्ली में। 1 अक्टूबर 1995 में जन्मी सरगुन को पढ़ाई के दौरान ही एक्टिंग का चस्का लग गया था। वो चाहती थी कि वो एक दिन एक्टिंग करे और एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाए। और फिर फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2016 ने सरगुन के सपने को पूरा करने में मदद की। दरअसल इस कॉन्टेस्ट में सरगुन सेलेक्ट हो गईं और फिर इसके बाद सरगुन की मॉडलिंग के वर्ल्ड में एक ग्रैंड एंट्री हुई। सरगुन ने कई टीवी शोज और म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, लेकिन मुंबई में सरगुन का असली एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ साल 2017 से, जब उन्होंने स्टार भारत के शो काल भैरव रहस्य में काम किया। इस शो में सरगुन गौरी के किरदार में थी। इसके बाद सरगुन को टीवी पर जाना जाने लगा। शो में सरगुन की अच्छी एक्टिंग और उनके अच्छे लुक्स का ही शानदार फायदा तब उन्हें मिला जब साल 2018 में उन्हें कलर्स का सीरियल तंत्र मिला। इस शो में सरगुन को नियति खन्ना का रोल प्ले करने का मौका मिला और ये शो टीवी का एक पॉपुलर शो बन गया और इसी की बदौलत सरगुन ने अपनी टीवी की दुनिया में अच्छी खासी पहचान बना ली। लेकिन इस शो के बंद होने के बाद सरगुन के पास कोई बड़ा शो नहीं था और फिर एक दिन एकता कपूर की नज़र सरगुन पर पड़ी और उनके पास इस तरह ये है चाहते जैसा बड़ा शो आ गया। खैर, अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो सरगुन अनमैरिड हैं। हालांकि सरगुन के रिलेशनशिप को लेकर खबरें आती रही हैं। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सरगुन ने कभी खुलकर बात नहीं की। खैर, अभी तो सरगुन के सामने अच्छा खासा एक्टिंग का करियर बाहें पसारे खड़ा है। उन्हें एकता कपूर के पॉपुलर शो ये है मोहब्बते की स्पिन ऑफ ये है चाहते में अहम किरदार करने का मौका मिल रहा है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरगुन का ये सफर उन्हें सफलता के किस मुकाम तक लेकर जाएगा।